एयरक्राफ्ट तेजस से उड़ान भरी है। दो सीटों वाले स्वदेश निर्मित इस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था। तेजस दुनिया का सबसे छोटा और हल्का फाइटर जेट है। इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 5000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ ही उड़ान भरने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आज बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। मैंने करीब आधे घंटे तक तेजस पर उड़ान भरी और इस दौरान मैंने हवा में तेजस के करतब भी देखे। उन्होंने कहा कि कैप्टन तिवारी ने बहुत सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तेजस में उड़ान भरना शानदार अनुभव रहा है। भारत में बना तेजस तकनीकी के मामले में बहुत आगे है। ये 100 किलोमीटर तक दुश्मनों पर पैनी नजर रख सकता है। सीधा आपको लेके चलेंगे नासिक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। का आग्रह आगमन हुआ है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवारजन मंच पर आसीन सभी महानुभाव, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, सभी मेरे साथी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक विशेष धन्यता अनुभव कर रहा हूं। और मैं इसे अपने जीवन की बहुमूल्य पल मानता हूं। क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयन जी ने खुद ने मेरे सर पर एक छत्र रखा है। ये सम्मान भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति दायित्व का भी संकेत है। नासिक की पवित्र धरती, महाराष्ट्र के कोटि कोटि जन मुझे आशीर्वाद दें ताकि इसकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी खपा दूं। हमारे यहां एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, यात्रा की सदियों से यह परंपरा चली है। रामेश्वरम से कोई जाता है, गंगा जी का जल लेके आता है और रामेश्वरी जी को अभिषेक करता है। यात्रा का हमारे यहां बड़ा महत्व रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी परंपरा रही है कि अगर सब लोग यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो जो यात्रा कर करके अपने परिवार में वापस लौटते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं, तो मान्यता है कि आधा पुण्य आपको मिल जाता है। मैं भी आज यहां देवेंद्र जी जैसे यात्री को नमन करने आया हूं। क्योंकि आज देवेंद्र जी पे 4000 किलोमीटर की यात्रा में
कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद बरसा करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक एक सामर्थ्य की चेतना को जगाया है। आज उनको मिलने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद, महाराष्ट्र के लोगों के इस आशीर्वाद का कुछ हिस्सा भी मैं लेके जाऊंगा। अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव बड़ी चरम पर थे, गर्मी भी बहुत थी, अब तब मैं डिंडोरी में एक सभा करने के लिए आया था, आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। डिंडोरी की उस जनसभा में ऐसा जन सैलाब उमड़ा था और उसने ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए थे कि पूरे देश में चल रही भाजपा की लहर को और प्रचंड बना दिया था। आज मैं देख रहा हूं कि अप्रैल की इस रिकॉर्ड तोड़ रैली से ये हमारा नासिक उससे भी आगे निकल गया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम को महाआशीर्वाद देने के लिए ये जनसागर उमड़ आया है। पावन कुंभ की धरती पर ये जो दृश्य देखने को मिल रहा, ये अपने आप में लोकतंत्र के कुंभ का परिचय दे रहा है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।